अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें रखी हुई हैं तो क्या बन रहा है, तो मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन टिक्का सैंडविच। और शाम का टाइम तो मैंने कहा चले अभी से ही स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, क्योंकि दिन में थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैं नहीं कर सकी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेकर आई थी अल कबीर के तंदूरी चिकन टिक्का, तो मैंने कहा आज इसका बनाती हूँ सैंडविच। सबसे पहले मैं इसको जो है ना करने रखती हूँ फ्राई, और यहाँ पे मैंने जो है ये चिकन बना फ्राई करने रख दिया है। यहाँ पे ये देखिए ये मैंने फ्राई कर लिया, उनके बारबेक्यू है, इसके अंदर मसाला लगा हुआ है। और अब मैं इसको कर लूँगी हाफ, बहुत बड़ी बोटियाँ हैं ना। अब ये लिए मैंने पीसेस ब्रेड के, पहले मैं इसके जो है वो काट लूँगी। अब मैं इसको पानी से प्रेस करके इसको नरम कर लूँगी। मैंने लिया है मायनीज 1 टेबल स्पून, और साथ में गार्लिक चिल्ली ये भी 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसको अच्छे से कर लेंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त सॉस बनता है इसको, अगर मैंने इसके साथ चिल्ली गार्लिक बनाओ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारा तैयार ब्रेड, ये दोनों ब्रेड मैंने ली हैं, और इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, ब्रेड के ऊपर ब्रेड, और इसको प्रेस कर दूंगी। इस पर लगाऊंगी सॉस, और मैंने अब इसको रखा है सैंडविच मेकर में, क्योंकि प्याज और टमाटर कच्चा है और ये भी अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। और ये देखिए बारबी सारी वेजिटेबल्स भी ग्रिल हो गई और बारबेक्यू भी ज़बरदस्त आया। और ये जो मैंने बारबेक्यू इसको ग्रिल इसको मैं रखूँगी इस पर। अब मैं ले लूंगी 6 चिकन फ्लेवर। ये इसका लुक देखें, इसको फ्राई हल्की आंच पे, बहुत ही आहिस्ते से उठाने में बहुत सॉफ्ट हुआ है इसमें की। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सैंडविच है ये। हाँ, मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग ने बनाया और बनाया तो आप लोगों को कैसा लगा। ये बनाया मैंने अपने भाई के लिए जिंगर का सैंडविच, और मेरा देखिए सैंडविच तैयार है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखने में बहुत अच्छा है। मैं भी ट्राई करके बताऊंगी कैसा लगा। और हम लोग आए हैं प्रिंस माजिद पार्क, ये बहुत काफ़ी बड़ा पार्क इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो बस आज विज़िट करते हैं और आपको भी कराते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और मौसम देखिए इतना ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर, बारिश की पेशन गोई अलर्ट कर दिया है, देखिए बिजली भी चमक रही है, ज़बरदस्त मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है, आसमान तो बहुत ही प्यारा हो रहा है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये देखें बिजली चमक रही है और बारिश देखें कल है इम्कान, अल्लाह खैर रखे।
और खूबसूरत लग रहा है बहुत। हमने देखिए फाउंटेन नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा झूले हैं यहाँ पे बच्चों के, उधर भी इतना बड़ा जो है ये बना हुआ है बच्चों का, तरह तरह की स्लाइड्स हैं, बच्चे तो बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए यहाँ आके, तो बस अब हमें छोड़ने निकल रहे हैं हम, बहुत जो है थक गए बच्चे। ऐसी गरज और चमक हो रही है ज़बरदस्त वाली, बस जल्दी से निकलने के कहीं बारिश ना हो जाए, भीग जाएंगे बहुत, और ठंड भी हो रही है यहाँ पर, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो बस निकलते हैं हम। मज़ा आया बहुत सबके साथ एंजॉय किया सब लोग, देखिए इधर आ रहा होए होए। बारिश शुरू हो गई और मज़ा भी बहुत आ रहा था और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, तो बस इसी के साथ बारिश भी इंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे रखिए दुआ में याद और अपना भी रखिए ढेर सारा ख्याल, और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को अच्छा लगा, और जो नए हैं उन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।